वेलकम टू श्री जी क्रिएशन। आज हम बनाएंगे आंवले का तेल। आंवले का तेल घर पे बनाना बहुत ही ईजी है और इसे बनाने के लिए जस्ट हमें दो ही चीज़ें चाहिए और वो बहुत ही जल्दी से घर पे रेडी हो जाता है। और आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जिनके बाल झड़ते हो या बहुत ही पतले हो, ग्रोथ ना हो बालों का, तो उनके लिए आंवले का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो चलिए उसे घर पे किस तरह से बनाना है वो हम देख लेते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑयल बनाने के लिए हमें चाहिए आंवला। आंवला को पहले वॉश कर ले और लाइट ग्रीन कलर का आंवला ले, वो अच्छा होता है। मैंने आंवले के इस तरह से छोटे टुकड़े कर लिए हैं और 200 ग्राम कोकोनट ऑयल लिया है। 200 ग्राम आंवला है और 200 ग्राम ऑयल है। सबसे पहले हम आंवले को मिक्सर जार में ले लेंगे और इसे क्रश कर लेंगे। ये क्रश हो चुका है, अब हम इसे कोकोनट ऑयल में ऐड कर देंगे। इसे स्लो टू मीडियम गैस पे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ऑयल ऊपर आने लगा है। जो हमने आंवला क्रश करके इसमें ऐड किया है वो गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तब तक इसे पकाना है। आंवले का थोड़ा सा भी मॉइस्चर ऑयल में नहीं रहना चाहिए। पंद्रह से बीस मिनट के बाद ये गोल्डन ब्राउन इस तरह से हो जाएगा। गैस बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैंने इस ऑयल को कॉटन के कपड़े से छान लिया है। अब आप इस ऑयल को कांच की बोतल में भर के एक साल तक स्टोर कर सकते हो। मैंने इसका जो नेचुरल कलर और जो स्मेल होता है वही रखा है। मैंने कुछ भी इसमें आर्टिफिशियल कलर या स्मेल ऐड नहीं किया। आप चाहे तो मेडिकल स्टोर में इसके लिए बॉटल मिलती है तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और जब भी आप ऑयल को यूज़ करो थोड़ा सा गुनगुना गर्म करके उसके बाद आप उससे बालों में मसाज करोगे तो वो बालों के लिए और हमारे सिर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। इससे अगर आपके बाल झड़ते हैं तो वो भी नहीं झड़ते और आपके बाल बहुत ही घने होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।